हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो आपने देखा होगा जो ब्राइडल ब्लाउज होता है वो फुल साइज़ में आता है, तो उसकी लेंथ कैसे कम की जाए, उसका जो नेक है वो कैसे सेट किया जाए, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो मेरे पास जो ब्लाउज़ है उसमें बस्ट 34 है और वेस्ट 28 है। तो हम उसी तरीके से पहले जो है फ्रंट और बैक कट कर लेंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करना आवाज़ के साथ। तो देखिए, इसमें हम आर्म होल ले लेंगे 5.5, 5.5 बाय 5.5, और जो कि मैं यहाँ पे पैडेड बनाने वाली हूँ, तो मैंने लिया है 9 इंच, और नीचे से भी मैंने 9 इंच लिया है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट बनेगा तो हमें कपड़ा दबाने के लिए उसमें चाहिए, यानी कि 1-1 इंच उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से आप ऊपर से 11.5 और साइड से 3 या 3.5 पे मार्क करके प्रिंसेस लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उसको कट करने से पहले बैक का जो है पार्ट उसको अलग कर लेंगे, उसके बाद आप कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट में जो है जो हमारी डार्ट आती है उसमें मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं वो कम किया है, क्योंकि पैडेड ब्लाउज बनेगा तो हमें उतनी नीड नहीं है। तो अब हम लेंथ नापते हैं। तो यहाँ पे लेंथ जो है ज़्यादा आ रही थी, तो उसको कैसे कम करेंगे, पहले तो आप पहले अपना जो है सेट करके देखेंगे। तो मेरा जो फ्रंट है वो बिल्कुल सही आ रहा था, तो जो प्रिंसेस लाइन है वो थोड़ी सी सही नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको सेट करके और फिर आपको कटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसमें जो प्रिंसेस लाइन दी गई है वो फुल साइज़ में है। तो आपको अपने हिसाब से पहले लाइन जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पे जो है अपना ब्लाउज कट करना है, और फिर उसको कॉपी कर लेना है प्लेन फैब्रिक पे। जनरली भी हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम पहले लाइनिंग पे कट करते हैं उसके बाद मेन फैब्रिक पे, लेकिन इसमें मस्ट हो जाता है मेन फैब्रिक पे बाद में कट करना, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि हमें किस प्रकार से कटिंग करनी है। यहाँ पे आप नेक में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नेक डीप चाहिए तो थोड़ा ऊपर से आप इसको रखें फिर जो है नीचे का जो है आपका कम रह जाएगा। तो वो कैसे ठीक किया जाएगा वो मैं आपको बैक पार्ट में समझाऊंगी। तो बैक पार्ट में जब हम आते हैं तो बैक जो पार्ट है वो 1 इंच कम होता है, और यहाँ पे डीप नेक है, लेकिन जो मेरा जो साइज़ का मैंने कट किया है वो यहाँ पे छोटा पड़ रहा था। तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ऊपर से जितना हमने नेक लेना है उस हिसाब से ऊपर से कटिंग कर देनी है। तो पहले ऊपर से कट कर लेंगे। तो ये मैंने पहले ऊपर से कट कर लिया है, नेक अभी नहीं कट करना है हमने, क्योंकि नेक को जनरली जो है इसमें पलट के ही बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत एक तो वेलवेट फैब्रिक पे है, और इस प्रकार से आपको काट के और फिर से ये लाइन इस तरीके से मोड़ के जो है सेट कर देनी है सिलाई से, तो जो है आपकी लेंथ भी एडजस्ट हो जाएगी। अगर ये चीज़ फ्रंट में भी आ रही है तो फ्रंट में भी ऐसे ही करेंगे। अब बारी आती है स्लीव की। तो इसमें जो स्लीव दी गई है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था कि पूरा भरा हुआ था। तो पहले मैं मेज़र कर लेती हूँ आर्म होल से और लेंथ मेज़र कर लेती हूँ। तो मैंने देखा थोड़ी सी जो है साइड से कम आ रही थी, तो हम क्या करेंगे साइड में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इसमें जो कपड़ा बचा है उसमें ऐड कर देंगे। तो वो चीज़ हम सिलाई करेंगे जब करेंगे। आज बस आप सिर्फ इतना समझ ले जो ब्राइडल ब्लाउज़ है उसमें हम जो प्लस साइज़ आता है उसको स्मॉल साइज़ में कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज की वीडियो देख के। हाँ, थोड़ा मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी।
और मेरा जो लुक था फाइनल लुक कुछ इस तरीके का था। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ब्लाउज़ कैसा बना है। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं, स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम आती है ब्राइडल ब्लाउज़ में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।